गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं फ्लो मेजरमेंट का। फ्लो मेजरमेंट को फॉर्मली पढ़ने से पहले आइए देखते हैं कि इस लेक्चर का फ्लो किस डायरेक्शन में होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि फ्लो मेजरमेंट एक हार्ड कोर इंस्ट्रूमेंटेशन का टॉपिक है, तो इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ गेट सिलेबस फॉलो करूँगा इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपके लेक्चर के डायरेक्शन को बता रहा है। सबसे पहले हम गेट सिलेबस को देखेंगे कि फ़्लो मेजरमेंट के अंतर्गत गेट सिलेबस क्या कहता है, मतलब कि कौन कौन से फ्लो मीटर हमें पढ़ने हैं। दूसरी, उसके बाद हम देखेंगे कि इस फ्लो मेजरमेंट को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, मतलब कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस फ्लो मेजरमेंट, इसको पढ़ने की और फ्लो को मेजर करने की ज़रूरत ही क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल फ्लूइड मैकेनिक्स के कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर हम टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लो में हम लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो की बात करेंगे। वहीं पर हम एक डायमेंशनलेस नंबर जो कि रेनॉल्ड्स नंबर है उसकी बात करेंगे कि कैसे रेनॉल्ड्स नंबर की मदद से आप टाइप्स ऑफ फ्लो को डिसाइड कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि मास और वॉल्यूम फ्लो रेट्स क्या हैं, और उसके बाद सिलेबस गेट सिलेबस के हिसाब से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा गेट सिलेबस क्या कहता है, ठीक है। गेट सिलेबस में ट्रांसड्यूसर फॉर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत फ्लो की बात की गई है, और ब्रैकेट में सिलेबस के अंदर जो फ्लो प्रिंसिपल्स हैं उनकी लिस्टिंग की गई है। यहाँ पर मैंने वो सारे फ्लो मीटर के प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया है जो सिलेबस में हैं। यहाँ मैंने अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा रीअरेंजमेंट किया है, और सबसे पहले अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल्स की बात की है। प्रिंसिपल वर्ड मैं बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक ही प्रिंसिपल पर बेस्ड ना सिर्फ एक बल्कि एक से ज़्यादा भी फ्लो मीटर हो सकते हैं। जैसे कि सिर्फ अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल पर बेस्ड 3-4 तरह के फ्लो मीटर हैं, इनकी बात हम आगे की स्लाइड्स में करेंगे। तो सिलेबस के हिसाब से हम सबसे पहले डिफ़िकल्ट वाले फ्लो मीटर्स को पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हमारा काम आसान होता जाएगा। तो सबसे पहले अल्ट्रासोनिक, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद वेरिएबल एरिया, डिफरेंशियल प्रेशर, टर्बाइन टाइप, और लास्ट में ओपन चैनल की बात करेंगे। ओपन चैनल का मतलब है कि फ्लो किसी प्रेशर के प्रभाव में नहीं है, वैसा फ्लो जिसमें लिक्विड किसी कंडक्ट मतलब कि नाली या चैनल से होकर गुजरता है ओपन फ्लो के अंतर्गत आता है, मतलब कि फ्लो का सरफेस फ्री होना चाहिए। उदाहरण के लिए रिवर्स, स्ट्रीम्स, कनाल्स, इरिगेशन डिचेस इत्यादि इस तरह के ओपन चैनल फ्लो के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि हम पार्शियली फिल्ड पाइप के फ्लो को भी ओपन चैनल कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो किसी प्रेशर के प्रभाव में नहीं है। अब हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि यार इतना कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरत है। अनेक एप्लीकेशंस में हमें एक्यूरेट फ्लो रेट को मेजर करने की ज़रूरत होती है।
जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इरिगेशन चैनल्स, वाटर सप्लाई फॉर हाउसहोल्ड्स और इंडस्ट्रीज, वाटर रिसोर्स के मूल्यांकन और डाइल्यूशन पोटेंशियल पता करने के लिए भी हमें रिवर के फ्लो को मेजर करने की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार हाइड्रो पावर प्लांट्स और वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी हमें फ्लो मेजरमेंट की ज़रूरत है। ऑल इन ऑल फ्लो को तो हमें मेजर करना ही है, और ये काम किसकी मदद से पूरा होगा? इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की मदद से। तो आइए अपने फंडामेंटल्स को मजबूत करते हैं और देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि मैटर्स के तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस वैसे तो कई मायनों में एक दूसरे से अलग हैं, परंतु डिफॉर्मिंग फोर्स के एक्शन में वे दोनों ही सिमिलर तरीके से बिहेव करते हैं। इसीलिए लिक्विड और गैस दोनों को हम फ्लूइड का नाम देते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होने पर फ्लूइड फ्लो करता है, जबकि सॉलिड अपने शेप को बनाए रखता है। इसी इफेक्ट को इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ आप शियर फोर्स कैपिटल एफ के एक्शन को एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक पर देख सकते हैं। इस फोर्स के एप्लीकेशन से रेक्टेंगुलर बॉडी में एक डिफॉर्मेशन पैदा होता है। आप इस रेक्टेंगुलर बॉडी को ताश की गड्डी जैसा एज्यूम कर सकते हैं, परत दर परत थोड़ा शिफ्ट होते हुए। खैर, एक फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, लेकिन ध्यान यह देना है कि शियर स्ट्रेस में जो एरिया है वह ब्लॉक के बेस का एरिया है, ना कि उस फेस का एरिया जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब इस शियर स्ट्रेस को मैंने टाउ से डिनोट किया है, सो टाउ इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये जो शियर स्ट्रेस है वह बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करता है, और इस डिफॉर्मेशन से बॉडी में स्ट्रेन पैदा होती है। इस शियर स्ट्रेन को एंगल फाई के टर्म्स में मेजर किया जाता है। सॉलिड के केस में यह एंगल फाई समय के साथ कांस्टेंट रहता है, जबकि फ्लूइड के केस में यह समय के साथ बढ़ता जाता है और अंत में फ्लूइड का फ्लो शुरू हो जाता है। न्यूटोनियन फ्लूइड में रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन जो है, शियर स्ट्रेस टाउ के प्रोपोर्शनल होता है। और आप कह सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइ विथ टाइम। सो मैंने टाउ इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फाइ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिखा है। अच्छा, अब आपने बचपन में तो पढ़ा ही होगा थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर, जहां पर थीटा जो है वह रेडियन में होता था
और एल जो है वो आर्क लेंथ होती थी और आर कॉरेस्पॉन्डिंग सर्किल का रेडियस होता था। उसी प्रकार फाई की स्मॉल वैल्यू के लिए आप आर्क लेंथ को डेल्टा एक्स ले सकते हैं और रेडियस जो है वाई हो जाएगी। फिर से देखिए इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को और डेल्टा एक्स और वाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय वाई। फाई की इस वैल्यू को टाउ वाले इक्वेशन में रखने पर हमें टाउ इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वी बाय वाई मिल गया और इस कांस्टेंट को हम डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी कोफिशिएंट्स कहते हैं और इसे एटा से डिनोट करते हैं। तो एटा इज इक्वल टू विस्कोसिटी कोफिशिएंट। अब हम विस्कोसिटी ग्रेडियंट टर्म मतलब कि वी बाय वाई को इसके डिफरेंशियल काउंटर पार्ट डी वी बाई डी वाई से रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमारा इक्वेशन ज़्यादा सुटेबल हो जाए। तो फाइनली हमें टाउ इज इक्वल टू ईटा मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी वाई मिल जाता है। इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। लेफ्ट साइड का यह फिगर सॉलिड बाउंड्री मतलब कि फ्लैट प्लेट के ऊपर बहते हुए फ्लूइड को दिखा रहा है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए। जो फ्लूइड प्लेट सरफेस के कांटेक्ट में है मतलब कि y इज इक्वल टू जीरो के टच में है, उसकी वेलोसिटी जीरो है। जैसे जैसे हम प्लेट से दूर जाते हैं मतलब कि जैसे जैसे y की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, लेयर्स की वेलोसिटी जो कि हमने v माना है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और प्लेट से अच्छी खासी दूरी के बाद के लेयर्स फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो कि वी नोट से दिखाया गया है उसे अटेंड कर लेते हैं। इस फ्री स्ट्रीम और बाउंड्री के बीच के लेयर्स को बाउंड्री लेयर्स कहते हैं और यह बाउंड्री लेयर वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी बाई डी वाई की विशेषता है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से दो तरह के फ्लो एग्जिस्ट करते हैं, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। पहले लेमिनार फ्लो की बात करते हैं। इसको विस्कस और स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए। यह सर्कुलर पाइप में लेमिनार फ्लो के फ्लो प्रोफाइल को दिखाता है। स्मॉल आर जो है वो रेडियल डिस्टेंस है जो पाइप के सेंट्रल एक्सिस से मेजर किया जाता है और स्मॉल वी जो है वो लेयर की वेलोसिटी है। आप देख सकते हैं यहाँ फ्लूइड पार्टिकल्स हाईली ऑर्डर्ड मैनर में मूव करते हैं और थ्रू आउट अपने रिलेटिव पोजीशन को बनाए रखते हैं। इस प्रकार सर्कुलर पाइप में लेमिनार फ्लो को आप अनेक एनुलर लेयर्स का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं और इन लेयर्स की वेलोसिटी
पाइप की सतह पर जीरो से शुरू होकर पाइप के सेंटर पर मैक्सिमम तक पहुंचती है। इस फ्लो में एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच सिग्निफिकेंट विस्कस शियर स्ट्रेस पाया जाता है और इस प्रकार हमें फ्लो का शेप पाराबोलिक मिलता है, मतलब हमारी फ्लो प्रोफाइल पाराबोलिक शेप में मिलती है। दूसरा जो हमारा फ्लो है वह टर्बुलेंट फ्लो है। यह हाईली डिसऑर्डर होता है और हर एक पार्टिकल थ्री डायमेंशन में रेंडमली मूव करता है और सक्सेसिव क्रॉस सेक्शन में डिफरेंट रिलेटिव पोजीशंस ऑक्यूपाई करता है। विस्कस फ्रिक्शनल फोर्स जो कि लेमिनार फ्लो में ऑर्डर्ड मोशन का कारक है, यहाँ वह काफ़ी कम होता है और इसलिए टर्बुलेंट फ्लो में पार्टिकल्स काफ़ी डिसऑर्डर्ड होते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर की मदद से आप एक गिवन सिचुएशन में फ्लो का टाइप्स डिसाइड कर सकते हैं। यह एक डायमेंशनलेस नंबर है, इसे आरी से डिनोट किया जाता है। एक्चुअली यह इंटरनल फोर्स टू विस्कस फोर्स का रेशियो है, इसलिए रेनॉल्ड्स नंबर आरी इज इक्वल टू रो एल वी, जो कि इंटरनल फोर्स को बताता है, डिवाइडेड बाय ईटा, जो कि विस्कस फोर्स को बताता है, जहां रो फ्लूइड की डेंसिटी है और एल इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द सिचुएशन। सर्कुलर पाइप के केस में यह कैरेक्टरिस्टिक लेंथ पाइप का डायमीटर होता है। वी जो है वह फ्लो वेलोसिटी और ईटा आप जानते ही हैं कि वो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है। अब अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है तो फ्लो जो है लेमिनार फ्लो होगा, और अगर 4000 से ज़्यादा है तो यह टर्बुलेंट फ्लो होगा, और अगर 2000 से 4000 के बीच है तो इसे हम ट्रांजिशन रीजन में रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से थोड़ा मास और वॉल्यूम फ्लो रेट्स को देख लेते हैं। एक गिवन पॉइंट के थ्रू ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम फ्लूइड का जितना वॉल्यूम पास होता है उसे वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं, और फ्लूइड का जितना मास पास होता है उसे मास फ्लो रेट कहते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के फ्लो मीटर मास और वॉल्यूम फ्लो रेट्स को डिज़ाइन करने के लिए बने हुए हैं। चलिए आइए हम अब अपने पहले फ्लो मीटर की बात करते हैं। हमारा पहला फ्लो मीटर जो है वह फ्लो को मेजर करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ करता है, इसलिए इसका नाम अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर है। अब अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से होने के कारण इसके कई सब टाइप्स हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर, जो कि ट्रांजिट टाइम के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दूसरा अल्ट्रासोनिक डॉपलर फ्लो मीटर, जो कि डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड है। तीसरा अल्ट्रासोनिक वोटेक्स फ्लो मीटर, जो कि वोटेक्स के प्रोडक्शन और डिसअपीयरेंस पे बेस्ड है। और चौथा अल्ट्रासोनिक क्रॉस कोरिलेशन फ्लो मीटर। ठीक है, अब चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के कुछ बेहतरीन एडवांटेजेस हैं, जैसे कि
यह फ्लो के पाथ में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट करता है और इसके कोई मूविंग पार्ट्स भी नहीं हैं। फ्लो को दोनों ही दिशाओं में मेजर किया जा सकता है, मतलब कि यह बाय डायरेक्शन फ्लो के लिए काफ़ी सूटेबल है और यह आउटपुट को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी प्रोवाइड करता है। यहाँ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, टिपिकली प्लस माइनस 1% तक की एक्यूरेसी भी अचीव की जा सकती है, तथा इसे बायोमेडिकल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चलते चलते थोड़ा डिसएडवांटेजेस भी देखते चलें। इसका कॉस्ट हाई है और यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है। बाकी की बात हम अब आगे के लेक्चर में करेंगे जब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम अल्ट्रासोनिक के पहले सब टाइप्स को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर। इसको मिस मत करिएगा। इसमें पहली बार मैंने एनिमेशन के जरिए पूरे प्रोसेस को समझाया है और इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस भी की है। गेट एग्जाम के न्यूमेरिकल्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, बहुत जल्द मिलते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो। हैव ए ग्रेट डे।